क्योंकि जब नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है, यानी कि आज रात 12 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 21 दिसंबर को निकाय का मतदान होना है और रात 12 बजे के बाद, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर ही संपर्क कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में आज निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसमें दोनों दलों के दिग्गज पूरी ताकत झोंकेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सीएम भूपेश बघेल तीन जिलों जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव का दौरा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर शहर में माड़िया चौक और तिरंगा चौक पर होने वाली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धमतरी में भी जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे, राजनांदगांव में रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के प्रवास को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा संबंधी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी भाजपा प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से रूबरू होंगे। इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने पहले दौरे के प्रचार में जनसभा और प्रचार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रायपुर से हेमंत लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, निकाय चुनाव का आखिरी आज दौर है, रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरह से प्रमुख दल अपनी जोर आजमाइश करेंगे? देखिए सीएम, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज जो प्रचार अभियान है वो थम जाएगा। रात 12 बजे तक प्रचार करने की अनुमति आज है, उसके बाद डोर टू डोर जनसंपर्क ही जो प्रत्याशी हैं वो कर पाएंगे। हालांकि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से थोड़ा इसके जो नियम है वो अलग है। शाम 5 बजे तक लोकसभा और विधानसभा में प्रचार का जो अंतिम समय है वो रहता है, लेकिन नगरीय निकाय की बात की जाए तो इसमें 12 बजे तक का समय रखा गया है। रात 12 बजे तक यहाँ पर चुनाव प्रचार किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद डोर टू डोर ही जो जनसंपर्क है वो प्रत्याशी कर पाएंगे। पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो 21 दिसंबर को चुनाव होने हैं, सुबह आठ बजे से शाम 5 बजे तक पूरा चुनाव होगा। एक चरण में चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में और 24 को इसके नतीजे आएंगे। पार्षद सीधे तौर पर पार्षद अब अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर चुन रहा है, इसलिए जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण हो चला है। इन पूरे नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की ओर से तो डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी की ओर से पूरी जो चुनावी कमान है वो संभाल थी। कल डॉक्टर रमन सिंह की कई जनसभाएं रायपुर में हुई हैं, रोड शो उन्होंने किया था। इसके अलावा रायपुर में 3 से 4 सभाएं खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हुई थी। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जाकर एक कोशिश वो उन्होंने की है कि कैसे भी करके समर्थन कांग्रेस को जगहों से मिले, एक बड़ी जीत दर्ज हो। दोनों पार्टियों से कसमकस यहां पर देखने को मिली है। अभी भी लगातार ये कोशिश है दोनों पार्टियों की कि वो मतदाता तक पहुंचे और अपनी जो बात है, जो अपना विजन है वो जनता के सामने रखे। हालांकि 24 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें ये समझा जा सकता है कि किनके विजन को जनता ने स्वीकारा है और किनके विजन को जनता ने नकारा है। ये 24 को ये सभी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। जगदलपुर, धमतरी और राजनांदगांव उनका दौरा होगा। सबसे पहले 11:20 में वो रायपुर से रवाना होकर सीधे जगदलपुर जाएंगे, वहां पर आम सभा होगा, जनसंपर्क लोगों से वो करेंगे। इसके अलावा उसके बाद धमतरी वो आएंगे, धमतरी में भी उनका जनसंपर्क और आम सभा है, लेकिन मेन जो कार्यक्रम है वो है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में आम सभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कई शहर के राजनांदगांव के कई इलाकों से होकर उनका रोड शो गुजरेगा। एक बड़ा रोड शो वहां पर होगा और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि राजनांदगांव का जो एरिया है वो डॉक्टर रमन सिंह का गढ़ रहा है। राजनांदगांव से खुद डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं, तो ऐसे में वहां पर काफी महत्वपूर्ण आज दिन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए। उनका रोड शो वहां पर होगा, पूरी जोर आजमाइश दोनों पार्टियों की ओर से लगातार देखी गई है। लेकिन आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकते जो प्रत्याशी और उनके नेता हैं वो दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी को साझा करने के लिए।